नमस्ते मेरे प्यारे भाई और बहनों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रूबी राजभर ऑफिशियल में। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही टेस्टी चाट की रेसिपी शेयर करूंगी। तो चाट बनाने के लिए यहाँ पे हमने सफ़ेद मटर लिया है, हमारे यहाँ इसको वटाना बोलते हैं। तो इसको मैंने रात में भिगा लिया था और यहाँ पर दो आलू लिया है, इसको हमने अच्छे से छील लिया है। अभी हम इसको प्रेशर कुकर में रखेंगे। तो इसको अभी हम प्रेशर कुकर में रख के हम दो आलू भी इसमें डालेंगे और मैं एक गिलास पानी डाल रही हूँ इसमें। पानी केवल वटाना से थोड़ा ही ऊपर होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं। और इसमें हम एक चम्मच हल्दी भी डालेंगे और इसमें हम एक चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। तो एक चम्मच में इसमें अभी नमक डालूंगी। तो अभी हम इसको बंद करके गैस पे रख लेंगे। अभी हमने मटर पकने को रख दिया है, तो अभी हम क्या करते हैं, इसका मसाला बना लेते हैं। तो मसाला, चाट में मसाला बनाने के लिए मैंने लिया है 4 से 5 सूखी लाल मिर्च, 2 मैंने लौंग लिया है और 10 से 12 मैंने काली मिर्च लिया है। और 1 चम्मच हमने जीरा लिया है। 1 चम्मच मैं इसमें धनिया डालूंगी। इन सभी मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे सुनहरा होने तक। अच्छे से भून चुका है, इसको हम एकदम बारीक नहीं पीसेंगे, थोड़ा सा दरदरा रखेंगे। तो अभी हम इसको पीस लेते हैं। तो अभी हमने मसाला पीस लिया है, तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। इतना ही दरदरा आपको रखना है। तो अभी हम मसाला भी पीस लिए और अभी हम क्या करेंगे, आगे की तैयारी करेंगे। तो यहाँ हमने 2 टमाटर लिया है, 2 मीडियम साइज का प्याज, धनिया और 4 से 5 हरी मिर्च लिया है। इसको हम बारीक काट लेंगे। तो कुकर अभी ठंडा हो चुका है, तो मैं खोल लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि वटाना कैसा पका है। तो देखिए मटर अच्छे से पक चुका है। तो अभी हम आलू को निकाल लेंगे, इसको अच्छे से हम फोड़ लेंगे और वटाने को भी हमें फोड़ने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से पक चुका है, फिर भी हम थोड़ा सा इसको फोड़ेंगे। तो आलू को हम चम्मच के मदद से अच्छे से हम फोड़ लेंगे। यह कढ़ाई अच्छे से गर्म हो चुका है। मैं यहाँ पे सरसों का तेल यूज कर रही हूँ, आप कोई भी तेल यूज कर सकते हैं। तो तेल गर्म हो चुका है, अभी मैं इसमें थोड़ा सा जीरा डालूंगी और थोड़ा सा हींग डालेंगे, इसका फ्लेवर अच्छा आता है। अभी हम जो मसाले भून के पीस लिए थे, अभी उन मसालों को हम डाल लेंगे। वैसे भी ये मसाले भुने हुए हैं, तो हम थोड़ा सा ही इनको भूनेंगे। फिर हम इसमें ये मटर मिला देंगे और जो हमने आलू को भी अच्छे से फोड़ा था, उसको भी हम अच्छे से मिलाएंगे। तो जब भी हमने पहले भी नमक डाला था कुकर में, तो अभी थोड़ा सा नमक कम है, तो हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल लेंगे। तो देखिए एक उबाल आ चुका है, अभी ये चाट अच्छे से पक चुका है। तो अभी हम इसकी प्लेट लगा लेते हैं।
खट्टा चाट बन के तैयार है, हम परोस लेते हैं। और अब भी हम इसमें डालेंगे टमाटर बारीक कटा हुआ, प्याज बारीक कटा हुआ, धनिया और बारीक कटे हुए मिर्च। और ये मूली को मैंने कद्दूकस कर लिया था, मूली। और इसमें हम मिलाएंगे चाट मसाले। तो अभी हमारा चाट बनके एकदम रेडी हो चुका है। अच्छी लगी आज की मेरी यह चाट की रेसिपी, प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।